स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल टोटल सर्किट में। दोस्तों आज एक डिजिटल AC वोल्ट और एम्पीमीटर बनाने जा रहे हैं, जिसका बनाने का पूरा प्रोसेस मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा, तो आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। तो चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
अब मीटर के अंदर सारे कंपोनेंट लगा दिया है और ये तैयार हो गया है। अब आती है बारी इसमें पावर सप्लाई देने की। मेरे पास ये पावर सप्लाई बड़ी हुई है, इसके अंदर दो सप्लाई है, जो एक प्लस 5 वोल्ट है और दूसरी माइनस 5 वोल्ट और तीसरी ये ग्राउंड है। अब इसको इस पावर सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं और मीटर को चालू करके देखते हैं। अब मीटर के अंदर इनपुट देके टेस्ट कर लेते हैं इसे। मेरे पास ये 12 वोल्ट का एक एसी वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, इसे 12 वोल्ट एसी इनपुट देके इसे टेस्ट कर लेते हैं और पहले मल्टीमीटर से इसे टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर 11.8 वोल्टेज दिखा रहा है ये। मीटर के अंदर ये पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा, तो इस पॉइंट को भी चालू कर लेते हैं। ये दूसरे नंबर की जो डिजिट है इसे एक 470 ओम की रेजिस्टेंस लेके इसे ग्राउंड के साथ में कनेक्ट कर देंगे तो ये पॉइंट चालू हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरे नंबर की जो डिजिट है इसका पॉइंट चालू हो गया है। अब इसे 12 वोल्ट की लाइन पे टेस्ट कर लिया है, अब आगे इसे 230 पे भी टेस्ट करके देख लेते हैं। अब इस मीटर को यहाँ पर जो 230 वोल्टेज आ रही है एसी वोल्टेज की लाइन, इस पे भी टेस्ट करके देख लेते हैं। इस पे टेस्ट करने से पहले यहाँ पर मैंने एक पहले 100 के की रेजिस्टेंस लग रही थी, अब इसको 230 पे टेस्ट करेंगे तो यहाँ पर मैंने ये 10 मेगा ओम की रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा दी है, तो इसको टेस्ट करके देख लेते हैं एक बार। और यहाँ पर मीटर 0.0 दिखा रहा है अभी। और मैं यहाँ पर एसी वोल्ट मीटर को भी लगा देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर दो ये प्रीसेट है, एक तो यहाँ पर इस जो पिन नंबर 36 पे जा रहा है इसके 0.1 वोल्टेज को यहाँ पर सेट करने के लिए, इससे भी यहाँ पर इस मीटर को कैलिब्रेशन कर सकते हैं ऐसे, यहाँ पर इससे भी कैलिब्रेशन करके देख सकते हैं। और यहाँ पर एक जो ये एसी टू डीसी कन्वर्टर मैंने आई से लगा रखी है LM 358, इस पर भी एक 5K का प्रीसेट लगा रखा है, इससे भी अपन मीटर को कैलिब्रेशन कर।
ये CTV लगा कर टेस्ट करके देख सकते हैं, और इसमें एक संट रेजिस्टेंस लगा कर इससे भी अपन इसमें करंट टेस्ट कर सकते हैं। फिलहाल ये 100/1 की ये CT है, यानी इसमें 100 एम्पियर करंट आएगा जब ये आउटपुट के अंदर 1 एम्पियर करंट दिखाएगी। तो मैं इसको भी टेस्ट करके दिखा देता हूँ। अब AC करंट देखने के लिए इस तरह से लगानी होगी इस CT को, यानी इसके CT के जो दोनों वायर है, मैंने यहाँ पर एक 1 ओम की रेजिस्टेंस है, इनके दोनों सिरों पर लगा दिया है, और ये जो रेजिस्टेंस के ये दोनों सिरे हैं, इनको एक को तो यहाँ पर लगाएंगे इस वाली लाइन पे ऐसे, और एक को ग्राउंड के साथ में कनेक्ट कर देंगे, जैसे यहाँ पर 200 मिली वोल्ट वाली रेंज पे भी लगा देंगे तो भी वो एक ही बात है। तो यहाँ पर जो मैंने ये रेजिस्टेंस लगा रखी है, इसको निकाल लेता हूँ मैं, और जो इसमें ये पॉइंट है इसको भी मैं लगा देता हूँ, यानी ये 20 एम्पियर का मैक्सिमम स्केल शो करेगी रेजिस्टेंस। यहाँ पर अगर 200 एम्पियर का मैक्सिमम करंट चाहिए अपने को, तो यहाँ पर 0.1 ओम की रेजिस्टेंस लगा सकते हैं यहाँ पर। तो मैं इसको डायरेक्ट लगा देता हूँ, इसको तो निकाल देता हूँ यहाँ से। और इस DP को चालू कर लेते हैं एक बार। अब ये दोनों सिरे इस रेजिस्टेंस के ऊपर लगा देते हैं इसको। इसको ऐसे लगा दिया है, यहाँ पर 0.4 एम्पियर आ रहे हैं AC वोल्ट में। अब इसको इस मीटर से भी टेस्ट करके दिखा देता हूँ मैं आपको। इसी 20 वोल्ट पे है, क्योंकि दोनों के अंदर सेम रीडिंग नहीं आ रही, तो इसको कैलिब्रेशन कर लेते हैं। अब ये डिजिटल मीटर यानी AC वोल्ट पे भी सही काम कर रहा है और AC करंट पे भी। मैंने पिछले 2 वीडियो बनाए थे जो DC वोल्ट और DC एम्पियर पे बनाए थे इसके डिजिटल वोल्ट मीटर के, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उनको भी देख सकते हो
आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।